हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 12 में चित्रकला के अंदर किराडू के बारे में पढ़ेंगे। किराडू, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का खजुराहो, किराडू के मंदिर और जगत उदयपुर के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो तो वैसे किराडू के मंदिर और लघु खजुराहो जगत उदयपुर के मंदिर को कहा जाता है। यानी राजस्थान का खजुराहो, किराडू के मंदिर और जगत उदयपुर का मंदिर, इनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और यह बाड़मेर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, बाड़मेर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं सदी में परमार वंश के दुलशाल राज एवं उसके वंशजों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। मतलब इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में परमार वंश के दुलशाल राज एवं उसके वंशजों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। और एक बात और कि यह स्थल पहले किराट कूप के नाम से प्रसिद्ध था। पहले यह स्थल किस नाम से प्रसिद्ध था? किराट कूप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यहां 5 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। किराडू में 5 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। मतलब कहने का मतलब कि वर्तमान में यहां 5 मंदिरों के अवशेष खंडहर नुमा एवं जर्जर स्थिति में मिले हैं। खंडहर नुमा एवं जर्जर स्थिति में मिले हैं। मतलब 5 मंदिर यहाँ पर मिले हैं जो कि खंडहर नुमा एवं जर्जर स्थिति में हैं। और यह स्थल अपने समय का मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ वैष्णव एवं शैव धर्म से संबंधित मंदिर बने हैं। मतलब वैष्णव क्या? जो भगवान विष्णु को मानते हैं। शैव क्या? जो भगवान शिव को मानते हैं, वो शैव धर्म के कहलाते हैं। तो कहने का मतलब कि छोटा पैराग्राफ हमने पढ़ा है, मुख्य रूप से किराडू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। यानी किराडू के मंदिर और जगत उदयपुर के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और किराडू कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर से 40 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित है। और इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के दुलशाल राज एवं उसके वंशजों द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और पहले यह किस नाम से प्रसिद्ध था? किराट कूप के नाम से भी प्रसिद्ध था। यानी किराट कूप के नाम से भी प्रसिद्ध था। वर्तमान में यहां 5 मंदिरों के अवशेष खंडहर नुमा एवं जर्जर स्थिति में मिले हैं। और यह स्थल अपने समय का मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र रहा होगा। और यहां वैष्णव एवं शैव धर्म से संबंधित मंदिर बने हैं। अब
यहाँ के हम प्रमुख मंदिर, मंदिरों में एक मंदिर है जो सबसे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी मंदिर मिले हैं वो खंडहर नुमा एवं जर्जर स्थिति में मिले हैं। तो यहाँ का किराडू का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहलाता है सोमेश्वर मंदिर, यानी सोमेश्वर महादेव मंदिर। तो किराडू के मंदिरों में सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा एवं आकर्षक, सुंदर और भगवान शिव को समर्पित है। सोमेश्वर महादेव मंदिर यानी शिव को समर्पित है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि किराडू के मंदिरों में सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा, आकर्षक, सुंदर तथा भगवान शिव को समर्पित है। मारू गुज्जर शैली में निर्मित, मारू गुज्जर शैली के इस मंदिर के गर्भगृह में, के गर्भगृह में, मतलब ये मंदिर, मुख्य बात क्या कि मारू गुज्जर शैली में मंदिर निर्मित है, और मारू गुज्जर शैली में निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में, गर्भगृह में सभा मंडप, द्वार मंडप एवं मूल प्रसाद बने हुए हैं। यानी इसके गर्भगृह में सभा मंडप, सभा मंडप, द्वार मंडप एवं सभा मंडप, द्वार मंडप एवं मूल प्रासाद, मूल प्रासाद, प्रासाद मतलब भवन बने हुए हैं। यहाँ के स्तंभ अष्टकोणीय लंबे एवं अलंकृतों से सुसज्जित हैं। मतलब जो स्तंभ बने हुए हैं, स्तंभ मतलब खंभे, वो क्या है, अष्टकोणीय लंबे एवं सुसज्जित हैं। इस मंदिर के विभिन्न भागों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। काले एवं नीले पत्थरों पर हाथी, घोड़े तथा विभिन्न भावभंगिमाओं के साथ नारी आकृतियों का अंकन भी किया गया है। सोमेश्वर मंदिर के बारे में क्या क्या बताया मैंने आपको, जैसे कि सोमेश्वर मंदिर, यानी कि किराडू के मंदिरों में सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा, आकर्षक, सुंदर एवं भगवान शिव को समर्पित है। और मारू गुज्जर शैली के मंदिर के गर्भगृह में सभा मंडप, द्वार मंडप एवं मूल प्रासाद बने हुए हैं। और यहाँ के स्तंभ, जो स्तंभ मतलब पिलर, कि यहाँ के स्तंभ अष्टकोणीय लंबे एवं सुसज्जित हैं। और इस मंदिर के विभिन्न भागों में हिंदू देवी देवताओं स्तंभों पर मूर्तियाँ, यानी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। इसके अतिरिक्त काले एवं नीले पत्थरों पर हाथी, घोड़ों तथा विभिन्न भावभंगिमाओं के साथ नारी आकृतियों का अंकन भी किया गया है। यहाँ के एक और मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध रहा है जिसे विष्णु मंदिर कहा जाता है, विष्णु मंदिर कहा जाता है। विष्णु मंदिर यानी किराडू के मंदिरों में विष्णु मंदिर भी उल्लेखनीय है। हालांकि यह सोमेश्वर मंदिर से आकार में अपेक्षाकृत छोटा है और भगवान शिव को ही समर्पित है। और यहाँ स्थापत्य एवं तक्षण कला की, मतलब यह स्थापत्य एवं तक्षण कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। मतलब किराडू के मंदिरों में विष्णु मंदिर भी उल्लेखनीय है और यह सोमेश्वर मंदिर से अपेक्षाकृत छोटा बना हुआ है और शिव को ही समर्पित है। और यह स्थापत्य और तक्षण कला में अद्भुत बना हुआ है।
तीसरी चीज जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किराड़ू के मंदिर यानी किराड़ू की मूर्तिकला की विषय वस्तु, किराड़ू की मूर्तिकला की विषय वस्तु, किराड़ू की मूर्तिकला की विषय वस्तु यानी किराड़ू के मंदिरों में विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदू देवी देवताओं, रामायण महाभारत के प्रसंग, हाथी घोड़े, विभिन्न मुद्राओं में नारी, शिवगण एवं त्रिदेव की मूर्तियों के साथ ही कलात्मक नक्काशी को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। मतलब मुख्य मुख्य बातें क्या आ गई कि विषय वस्तु की दृष्टि से क्या क्या आ गया, एक तो हिंदू देवी देवताओं, रामायण महाभारत के प्रसंग, हाथी घोड़े, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर काले एवं नीले पत्थरों से हाथी घोड़े तथा विभिन्न भाव भंगिमाओं के साथ नारी आकृतियों को भी प्रस्तुत किया गया है। तो विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदू देवी देवताओं, रामायण महाभारत के प्रसंग, इसके अतिरिक्त हाथी घोड़े, विभिन्न भावभंगिमाओं में नारी आकृतियां, त्रिदेव की मूर्तियों के साथ कलात्मक नक्काशी भी यहाँ के मंदिरों में की गई है। तो ये हमने क्या पढ़ा आज, मुख्य रूप से किराड़ू के मंदिर, यानी आपको एक विशेष रूप से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं कि राजस्थान का खजुराहो किन मंदिरों को कहा जाता है, तो किराड़ू के मंदिर जो कि बाड़मेर में स्थित है और जगत उदयपुर का मंदिर वो भी राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिरों और जगत उदयपुर के मंदिर को कहा जाता है। किराड़ू के मंदिर कहाँ स्थित है, बाड़मेर जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किराड़ू के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, किसने और कब करवाया, तो 11वीं शताब्दी में यहाँ के मंदिरों का निर्माण परमार वंश के शासक दुलशाल राज एवं उसके वंशजों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त जैसे वर्तमान में किराड़ू में कितने मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो 5 मंदिरों के। किराड़ू के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। इसी प्रकार किराड़ू की मूर्तिकला की विषय वस्तु क्या रही, तो किराड़ू के मंदिरों में विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदू देवी देवताओं, रामायण महाभारत के प्रसंग, हाथी घोड़े, विभिन्न भाव भंगिमाओं में नारी आकृतियां, त्रिदेव की मूर्तियों सहित स्तंभों पर सुंदर नक्काशी भी की गई है। तो ये आज हमने किराड़ू के मंदिर के बारे में पढ़ा।